साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से अभी मैं अपनी दुकान पे बैठा था और वीडियो देख रहा था, तो एक भाई आया और बोल रहा था कि सर, एक मीडिया वाला उनसे पूछा कि बताइए, अच्छा आप सब कुछ पूछा थे, बताइए कि आप किस में छठे हैं। तो भाई बोला कि सर, मैं दूसरी बार पढ़ा था और मेरा हाई स्कूल में जो है जन्मतिथि संशोधन करवाया था, इसीलिए जो है कि मैं छट गया हूँ। साथियों, कोरोना वायरस महामारी के चलते हमारे देश के जवानों का भविष्य जो है कि बहुत ही अधर में पड़ गया, और हमारे भाई लोग जो दूसरी मार्कशीट से पढ़े हैं, 3 साल NCC भी किए हैं, मेहनत इतना किए हैं, उनका करियर जो है कि बहुत ही अधर में जा रहा है। साथियों, मैं इसके लिए बहुत ही दुख प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 10 वर्षों से युवाओं को निःशुल्क फिजिकल की ट्रेनिंग देता हूँ, और हमारे भाई लोग जो है कि लगातार इस कोरोना वायरस महामारी में भी अपना जो है कि दौड़ बंद नहीं किए, तो आज जो है कि उनको एक बार फिर से दुख झेलना पड़ रहा है कि भाई लोग जब रेस भी निकाल रहे हैं उसके बाद जो है कि छाटा जा रहा है। अब इनको ये सोचना चाहिए था कि नहीं, कोरोना वायरस महामारी के चलते हमारे भाई लोग 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं देखे, तो उनको भी इस पर थोड़ा दुख जताना चाहिए था कि नहीं, युवाओं को एक बार मौका दिया जाए, उनके भविष्य का सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, अपनी सेना अपने देश की सेवा करने का जज्बा रखते हैं, आज उनका भविष्य जो है बहुत ही अधर में पड़ गया है। अभी मैं वीडियो देख रहा था और दूसरी मार्कशीट से एक बंदा पढ़ा हुआ आया और बोला कि सर, मैं रेस निकाल लिया था, लेकिन जो है कि मेरा दूसरा मार्कशीट है और जन्मतिथि जो है कि मैं संशोधन करवाया हूँ, इसी के चलते मैं सेना भर्ती रैली से बाहर आया हूँ। मुझे वीडियो देखकर बहुत ही दुख प्रकट हुआ कि अब हम लोग जानते हैं कि नहीं, युवा जो है कि कितना आर्मी की तैयारी के लिए मेहनत कर रहे हैं, सुबह शाम कैसे मेहनत कर रहे हैं, माता पिता का सेवा न करते हुए, अपने घर को न देखते हुए सिर्फ देश की सेवा करने का जज्बा रख रहे हैं, जो कि सेना में जाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। करीब करीब अगर दूसरा मार्कशीट से अगर होंगे तो वो 6-7 साल से समझ लीजिए कि इसमें मेहनत कर रहे हैं। कोरोना वायरस के